नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। हेमंत सोरेन पर हाई कोर्ट में विशेष सुनवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खनन पट्टा लेने और सेल कंपनियों के माध्यम से निवेश को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। इसके अलावा भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल के मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण में सुनवाई भी मंगलवार को निर्धारित है। बता दें, दोनों महत्वपूर्ण मामलों को देखते हुए 17 मई की तिथि को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे जुड़े फैसलों पर लोगों की निगाहें हैं। इसका व्यापक प्रभाव राज्य की राजनीति पर पड़ सकता है। क्या लगाया जा रहा है कि दोनों मामलों में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों को सेल कंपनी चलाने और खनन लीज आवंटन मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बाजार शुल्क के विरोध में झारखंड के व्यापारी। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 वापस नहीं लिए जाने के विरोध में सोमवार से राज्य के व्यापारियों का विरोध तेज हो गया है। बाजार शुल्क के विरोध में व्यापारियों ने सोमवार से अन्य राज्यों से अनाज की खरीद रोक दी है। आयात रोकने से राज्य में खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। बता दें कि इस शुल्क को लगाने के फैसले को मार्च में विधानसभा से मंजूरी मिली थी। फिलहाल उसे राज्यपाल के अनुमोदन का इंतजार है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष धीरज तनेजा ने कहा है कि विभिन्न तरीकों से हमने अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। IAS पूजा सिंघल और CA सुमन की रिमांड अवधि 4 दिन बढ़ी। IAS पूजा सिंघल और CA सुमन की रिमांड अवधि 4 दिन और बढ़ी है। सोमवार को रिमांड अवधि पूरी होने पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने ED के स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश के आवासीय कार्यालय में दोनों को पेश किया, जहां कोर्ट ने दोनों को 4 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ा दी है। अब ईडी की टीम कई अन्य पहलुओं पर दोनों से पूछताछ करेगी। बता दें कि सोमवार को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद पूजा सिंघल और CA सुमन कुमार सिंह को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। पूजा सिंघल ने कहा, सरकार में नीचे से ऊपर तक पहुंची है ब्लैक मनी। राज्य सरकार के खान एवं उद्योग विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। यह अवैध खनन सहित भ्रष्टाचार के रुपए नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारियों से लेकर सफेद पोशों तक पहुँच रहा है। निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार व अन्य सहयोगियों ने अब तक की पूछताछ में इसे पुष्टि कर दिया है। इस पूरे रैकेट का खुलासा होना जरूरी है, इसलिए ED को पूछताछ के लिए और वक्त दिया जाए। ED ने यह जानकारी ED के विशेष जज PK शर्मा के आवासीय कार्यालय में दी है। 7वीं JPSC की फाइनल रिजल्ट की तैयारी। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं सिविल सेवा परीक्षा के तहत 9 मई से शुरू हुआ साक्षात्कार सोमवार को संपन्न हो गया है। अब आयोग अंतिम परिणाम तैयार करने में जुट गया है। संभावना जताई जा रही है कि इस माह के अंत तक या जून के पहले सप्ताह में इस परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी हो सकता है। आयोग ने मुख्य परीक्षा में सफल घोषित 802 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया था। बताया जाता है कि 3 से 4 अभ्यर्थी साक्षात्कार में अनुपस्थित रहे हैं। बाबूलाल मरांडी का हमला। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को राज्य सरकार पर हमला बोला है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने सोरेन परिवार पर निशाना साधा। कहा कि यह अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों के लिए काम कर रहा है, राज्य के लिए यह परिवार पूरी तरह बोझ बन गया है। भाजपा इस बोझ को हटाएगी। 28 महीनों के शासन में जो प्रदेश की हालत है, उसकी परिणति हम सब देख रहे हैं। आज पूरे देश में झारखंड के भ्रष्टाचार की चर्चा है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार अपने हिसाब से कानून चला रही है। शराब के टेंडर और बालू पर बोलते हुए कहा कि बालू की लूट जारी है, कानून सबके लिए एक समान नहीं है। सत्ता में बैठे लोग ही अवैध काम कर रहे हैं। अश्विनी चौबे का CM हेमंत पर हमला। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सोमवार को प्रसिद्ध सिद्धपीठी रजरप्पा स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुँचे। मंदिर पहुँचने पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीण मेहता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उन्हें बुक देकर स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे 15 मिनट तक भगवती के दरबार पूजा अर्चना में लीन रहे। बता दें, मंदिर के पुजारियों ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवाई, नारियल बलि देकर रक्षा सूत्र भी बंधवाए हैं। सोने चांदी के जेवरात साफ करने के नाम पर हो रही ठगी। सोने चांदी के जेवरात को साफ करने के लिए किसी को न दे
सावधान हो जाएं, आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। गांव गांव में घूमकर सोने चांदी के जेवरात साफ करने के नाम पर गिरोह सक्रिय है। बता दें लोहरदगा में इसी प्रकार की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि घटना के कुछ ही घंटे के भीतर गिरोह के 3 सदस्यों को ग्रामीणों ने ढूंढ कर पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें किस्को थाना पुलिस के हवाला कर दिया गया है। इनके पास से ठगी किए गए सोने चांदी के जेवरात और नकली जेवर भी बरामद किए गए। पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है। लद्दाख में कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी दे केंद्र सरकार। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने एक बार फिर केंद्रीय रक्षा सचिव एवं नीति आयोग के विशेष सचिव को पत्र लिखकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत ऊंचे पठारी क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की दुर्दशा एवं अनदेखी की ओर ध्यान दिलाया है। पिछले 2 वर्षों में झारखंड सरकार की ओर से यह तीसरा प्रयास है जब मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए सरकार MOU साइन करवाना चाहती है। झारखंड में कहीं लू तो कहीं बारिश के आसार। झारखंड के आधे दर्जन जिलों में मंगलवार को भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा में 17 मई को येलो अलर्ट जारी करते हुए लू चलने की जानकारी दी है। सोमवार को डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री रहा। जिन इलाकों में प्री मानसून का असर हो रहा है वहाँ मेघ गर्जन व वज्रपात की आशंका है। बता दें पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज में बादलों की गरज के साथ वज्रपात होगा। 17 व 18 को इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर की गति से हवा भी चलेगी। राज्य के अन्य जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। धन्यवाद।